हेलो दोस्तों, अगर बात करें सबसे ज्यादा आबादी की या फिर दुनिया की सबसे ऊंची मीनार की, बात करें मेट्रो ट्रेन की या फिर टेस्टी स्ट्रीट फूड की, यह शहर हर जगह टॉप पर पाया जाता है। हां जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दिलवालों के शहर दिल्ली के बारे में। कभी राजनीतिक हलचल के कारण तो कभी किसी बड़े आयोजन के कारण, कभी अपराध के कारण तो कभी प्रदूषण के कारण दिल्ली हमेशा चर्चा में बनी रहती है। 1480 वर्ग किलोमीटर में फैला दिल्ली एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा शहर है। पूरी दुनिया में टोक्यो के बाद आबादी के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर पे पाया जाता है। 25 मिलियन निवासियों के साथ दिल्ली दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और अभी लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं। यमुना नदी के तट पर बसा दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली 7 बार उजड़ी और 7 बार दोबारा बसाई गई। महाभारत में इसका उल्लेख प्राचीन इंद्रप्रस्थ के रूप में किया गया है। दिल्ली पर कई शासकों ने राज किया और सन 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के आदेश पर कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को शिफ्ट किया गया। दिल्ली कुल 11 राजनीतिक क्षेत्रों में विभाजित है। नई दिल्ली भी इसका ही एक भाग है जो कि देश की राजधानी के रूप में सेवा कर रही है। यहाँ पर ही सर्वोच्च न्यायालय, पार्लियामेंट और साथ ही साथ राष्ट्रीय भवन भी स्थित है। दिल्ली का खारी बावली मार्केट एशिया का सबसे बड़ा मसाला मार्केट है। यह मार्केट पुरानी दिल्ली की एक सड़क है जो कि लाल किले के करीब स्थित है। मसाला बाजार के साथ साथ दिल्ली में मौजूद आजादपुर बाजार एशिया का सबसे बड़ा फलों तथा सब्जियों का सबसे बड़ा बाजार कहा जाता है। दिल्ली उस रेस्टोरेंट का भी घर है जहां पर विश्व प्रसिद्ध बटर चिकन को पहली बार पेश किया गया था और इस अविश्वसनीय व्यंजन का श्रेय मोती महल नामक रेस्टोरेंट को जाता है। दिल्ली का कमल मंदिर जिसे लोटस टेम्पल कहा जाता है और यह एशिया का एक लौता बहाई मंदिर है जहां का वातावरण एकदम शांत है और यहां लगभग हर रोज 8000 लोग देश विदेश से आते हैं। दिल्ली के ऑटो रिक्शा से लेकर प्रसिद्ध DTC बस तक सब कुछ पर्यावरण के अनुकूल CNG पर चलता है। दिल्ली से जुड़े तथ्यों में यह भी तथ्य है कि 2014 में दिल्ली को WHO द्वारा दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों के रूप में घोषित किया गया था। दिल्ली का अक्षरधाम हिंदू मंदिर परिसर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है और 2007 में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व का सबसे व्यापक हिंदू मंदिर स्थान देते हुए शामिल किया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रतिष्ठित लाल किला जहां पर प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय तिरंगा फहराया जाता है, वो लाल किला शुरू में सफेद हुआ करता था, लेकिन बाद में पत्थर खराब या जड़ने लगे तो अंग्रेजों ने इसे लाल रंग में रंग दिया। दिल्ली के महरौली क्षेत्र में मौजूद कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार है। 72.5 मीटर ऊंचे इस मीनार का निर्माण ईस्वी सन 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। यह लोकप्रिय स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। दिल्ली का कनॉट प्लेस दुनिया के सबसे महंगे ऑफिस स्पेस में शामिल है और अगर आप यहाँ पर घूमने आते हैं तो आपको लगेगा आप किसी यूरोपियन कंट्री में आ गए हो। दिल्ली में हरियाली की भी कोई कमी नहीं है। इसका 20% हिस्सा जंगलों तथा वनों से ढका हुआ है। दिल्ली शुरू में 14 गेटों से घिरी हुई थी, जिनमें से वर्तमान समय में 5 ही गेट बचे हुए हैं, जिनमें अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट और तुर्कमान गेट शामिल है। केन्या में मौजूद नैरोबी के बाद दिल्ली दुनिया की दूसरी सबसे अधिक पक्षी समृद्ध राजधानी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पक्षी प्रजातियों का निवास है। दिल्ली अपने स्ट्रीट फूड के लिए भी जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ का खाना सबसे टेस्टी होता है। दिन की शुरुआत यहाँ पर छोले भटूरे से ही होती है। इसके अलावा पूरी आलू, आलू चाट, मोमोज, गोलगप्पे, जलेबी, बिरयानी, पराठे, वैरायटी ऑफ रोल्स जैसी कई चीजें दिल्ली स्ट्रीट फूड की जान मानी जाती है। इस शहर का नॉनवेज भी काफी पॉपुलर है। भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र भी दिल्ली को ही माना जाता है। यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, IIT आदि स्थित है। दिल्ली की मेट्रो देश की पहली आधुनिक प्रणाली है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क दुनिया का 13वां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जिसकी लंबाई है 193 किलोमीटर और इसीलिए ही दिल्ली की मेट्रो को दिल्ली की लाइफलाइन माना जाता है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्टों में से एक है। यहाँ प्रति वर्ष 40 मिलियन यात्री यात्रा करते हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट यहाँ पर काफी पसंद किया जाता है। यहाँ पर अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद है। विराट कोहली, ईशांत शर्मा, शिखर धवन, वीरेंद्र सहवाग जैसे कई खिलाड़ी इस शहर से ही आते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं दिल्ली में मौजूद कुछ घूमने लायक जगहों के बारे में। तो सबसे पहले है रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। लाल किले को देश की आन बान और शान माना जाता है। इसका निर्माण शाहजहां ने 1638 में करवाया था। यमुना नदी के किनारे स्थित लाल किला दिल्ली का मुख्य पर्यटन स्थल है। भारतीय प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर यहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। उसके बाद है इंडिया गेट। प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों की याद में बने इंडिया गेट में दिन रात अमर जवान ज्योति जलती रहती है। 42 मीटर ऊंचे इंडिया गेट का निर्माण 1931 में किया गया था। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्थल है। इसके अलावा भी बात करें तो जामा मस्जिद, प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, चांदनी चौक, जंतर मंतर, लोधी गार्डन, हुमायूं का मकबरा जैसी कई जगह है दिल्ली में मौजूद है जहाँ पर आप घूमने का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारी देश की धड़कन कहे जाने वाला दिल्ली। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए एक्सप्लोर इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।